नमस्कार वेलकम टू तो नर्सिंग स्मार्ट नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज की इस क्वेश्चन सीरीज में हम देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नॉर्सेट सेट में बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल हैं आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं जिनकी तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन रीड्स सेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक बिफोर एडवांसिंग ए पेशेंट फ्रॉम लिक्विड टू सोलिड डाइट हम क्वेश्चन का मीनिंग बता देते हैं कि आप इनमें से कौन सा असेसमेंट करोगे कौन सा असेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब पेशेंट को लिक्विड से सोलिड डाइट पर शिफ्ट करने से पहले पेशेंट को लिक्विड से सॉलिड डाइट के लिए एडवांस करने से पहले इनमें से कौन सा असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है अब आप कहोगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई रिपीट ये नॉर्सेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजन आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा अच्छा पेशेंट को खाना खिलाना है तो पेशेंट को खाना खिलाने से पहले क्या देख लेंगे बावल साउंड्स देख लेते हैं जी तो बावल साउंड्स अगर प्रेजेंट होगी तो खाना दे देंगे अदरवाइज नहीं देंगे यहीं पर आप एग्जाम में गलती करने वाले थे बावल साउंड्स कब देखी जाती हैं बावल साउंड्स देखी जाती हैं किसी भी तरीके की डाइट किसी भी तरीके की डाइट को शुरू करने से पहले एनी काइंड ऑफ डाइट किसी भी तरीके की डाइट को शुरू करने से पहले स्पेशली सर्जरी के बाद में एबडोमल सर्जरी के बाद में हम क्या देखते हैं बावल साउंड्स देखते हैं लेकिन यहां पर तो क्या है जी पेशेंट ऑलरेडी लिक्विड डाइट पर है और उसको सॉलिड डाइट पर शिफ्ट करना इसका मतलब बावल साउंड्स की तो जरूरत ही नहीं है बावल साउंड्स देखने की जरूरत नहीं पेशेंट को ऑलरेडी बावल साउंड्स प्रेजेंट थी तभी तो पेशेंट ऑलरेडी लिक्विड डाइट पर था और अब हम इसको सोलिड डाइट पर सोलिड फूड पर शिफ्ट करना चाहते हैं इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है ऑप्शन ए इज इन तो भाई ऑप्शन क्या करेक्ट होगा नेक्स्ट पे जाते हैं चुइंग एबिलिटी पेशेंट की चुइंग एबिलिटी देखेंगे क्या एक ऑप्शन है करंट अपेटाइट अपेटाइट देखेंगे क्या अपेटाइट का मतलब क्या है जी कि कितनी भूख है दो रोटी खाओगे कि तीन रोटी खाओगे अमाउंट ऑफ फ़ूड इसके लिए होती है इसमें सो लिक्विड से सॉलिड डाइट पर स्विच करने का कोई मतलब ही नहीं है ऑप्शन इनकरेक्ट है फूड प्रिफ्रेंस क्या खाओगे जी सॉलिड में ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट क्या हुआ चूइंग एबिलिटी पेशेंट खाने को चू कर सकता है नहीं कर सकता क्यों लिक्विड खाना तो पेशेंट निगल ले रहा था ऐसे ही पी ले रहा था सोलिड फूड को क्या करना पड़ेगा च्यू करना पड़ेगा तो सोलिड फूड को च्यू करने अगर की अगर पेशेंट की एबिलिटी नहीं हो तो क्या हो सकता है अगर खाने को चू करने की एबिलिटी नहीं है तो एस्पिरेशन की रिस्क हो सकती है इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है पेशेंट को लिक्विड डाइट से सॉलिड डाइट पर शिफ्ट करने से पहले स्विच करने से पहले हम देखेंगे कि पेशेंट की चूइंग एबिलिटी है नहीं है या नहीं खाना को चू कर सकता है नहीं कर सकता अदरवाइज देर इज अ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ऑप्शन करेक्ट है आई होप आप समझ गए हैं कि हमने इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्यों रखा है क्यों क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सोचोगे अच्छा तो पेशेंट की डाइट के बारे में तो बाउल साउंड्स के प्रेजेंट होगी होनी चाहिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा बिना देखे हम इसी को करेक्ट कर देंगे जी नहीं पेशेंट ऑलरेडी लिक्विड डाइट पर है लिक्विड डाइट पर इसलिए था कि पेशेंट की बाउल साउंड्स प्रेजेंट थी अब तो सोलिड फूड पर स्विच करना है तो चूइंग एबिलिटी देखेंगे पेशेंट की करेक्ट ऑप्शन है चूइंग एबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है यू ओबेन ए फिंगर स्टिक ग्लूकोज रीडिंग ऑफ फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मिलीग्राम पर डे सीटर ऑन ए पेशेंट हुटली स्टार्टेड ऑन टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रीशन टी पी एन विच एक्शन शुड यू टेक एट दिस टाइम क्वेश्चन का मतलब बता देते हैं कि आपने एक पेशेंट का आर बी एस लिया फिंगर स्टिक ग्लूकोज लिया फिंगर पे एक छोटी सी नडल चुबा करके उससे ग्लूकोज की रीडिंग लिया आपने शुगर की रीडिंग ले ली कितनी आई 425 मिलीग्राम पर डे बहुत ज़्यादा है जी ज़्यादा है उस पेशेंट के बारे में कुछ बताया गया है क्या बताया गया है इसको अभी अभी हाल ही में क्या किया गया था टी पर लिया गया था टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन पे लिया गया था ठीक है जी अब इस पर लेने की वजह से ग्लूकोज की रीडिंग जो है वो ऐसी आ गई क्या करोगे आप इस टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की एक बात आप समझ लीजिए अच्छे से इसके अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होता है ग्लूकोज जो हम आईवी से देते हैं उसको एक्चुअल में डेक्सट्रोज़ बोलते हैं ग्लूकोज हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में आ गया है डेक्सट्रोज़ भी इसका नाम दिमाग में रखिएगा आप और इन दोनों के ये दोनों एक्चुअल में किस में आते हैं भाई सुगर्स में ही आते हैं मोनोसेकेराइड्स हैं ये चीज़ें आप दिमाग में रखना अब आपने पेशेंट को टी शुरू किया जिसके अंदर ग्लूको की मात्रा बहुत ज़्यादा है हायर कंसेंट्रेशन है जिसकी वजह से इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है और उससे हम क्या बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि इस ग्लूकोडेस्ट्रोज की जो हायर कंसेंट्रेशन है किसी में टीपीएन में और ये जिस पेशेंट को शुरू हो गया शुरू किया गया उसमें हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ठीक है और वही हुआ आपने पेशेंट का फिंगर स्टिक ग्लूकोज रीडिंग ली 425 मिलीग्राम पर डे आ गया आप देखिए 425 मिलीग्राम पर डे लीटर यहां पर दिमाग में रखिएगा ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर की जो यूनिट है वो मिलीग्राम पर डे है और ये चार सौ पच्चीस मिलीग्राम लीटर जो आया है वो हाइपर ग्लाइसीमिया डेफिनेशन में आता है यहां तक तो ठीक है अब आप क्या करोगे आपसे पूछा गया ऑप्शन वाइज चलिए स्टॉप द टी पी एन देखिए दोस्तों स्टॉप हम कब करते उसको उस पेशेंट को टीपीएन की तो जरूरत है कोई इसको एडवर्स इफेक्ट थोड़ा ना हो गया इसका एडवर्स रिएक्शन नहीं है दोस्तों एक कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि ज्यादा चला गया ठीक है ज्यादा जा रहा है जो रेट इसको मिलना चाहिए था उससे ज्यादा रेट से जा रहा है इसलिए पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है इसलिए टी का ये कॉम्प्लिकेशन है और अगर एडवर्स रिएक्शन होता तो आप बिना किसी सोचे समझे बिना कुछ सोचे समझे इसको स्टॉप कर देते लेकिन अब तो इसकी डोजेज में करेक्शन की जरूरत है तो क्या करे? स्टॉप करेंगे क्या जी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो कंटिन्यू चलते रहना यस डोजेज में करेक्शन की जरूरत है तो एक ऑप्शन हो रहा है पास में। फ्लो रेट कम करना है वो भी हमें नहीं पता हमारे डोमेन में नहीं आता ना स्टॉप करना हमारे डोमेन में है ना इसकी रेट को फ्लोरेट को डिक्रीज करना आपके डोमेन में है दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है समझ गए दोस्तों स्टॉप कर दोगे वापस चालू करना पड़ेगा तो सही नहीं है डिक्रीज़ द फ्लोरेट ऑफ द टीपीएन ये भी गलत है कितना कम कर दोगे ठीक है ओके तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं एडमिनिस्टर इंसुलिन जी इंसुलिन उसको दिया जा सकता है अगर कंसिस्टेंट रहता तो लेकिन फिलहाल तो जरूरत नहीं है शायद हो सकता है कि भी केवल हाई फ्लोरेट की वजह से गया हो कंसिस्टेंट रहेगा तो इंसुलिन भी देंगे ये ऑप्शन तो दूर दूर तक करेक्ट नहीं है इनकरेक्ट ऑप्शन नोटिफाई द डॉक्टर जी जिसने शुरू किया है ये ताम क्या एन का उन्हीं को बताएंगे कि डॉक्टर साहब आपके पेशेंट का सुगर लेवल बहुत ज्यादा जा रहा है जिसको आपने शुरू किया है ठीक है क्या क्या तो देख लीजिए करना है है उसका ठीक है ना वो तो नोटिफाई द डॉक्टर इन्फॉर्म द डॉक्टर करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में दोस्तों कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपका सबसे पहला दिमाग जाए, जाएगा स्टॉप द टीपीएन पर स्टॉप तब करते अगर ये इसका कोई एडवर्स रिएक्शन होता तो ये इसका एडवर्स रिएक्शन नहीं है हाइपरग्लाइसीमिया क्या है कॉम्प्लिकेशन है चलते रहेगा डोजेज में करेक्शन की जरूरत है फ्लोरेट में करेक्शन की ज़रूरत है लेकिन वो भी कितना नहीं पता ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया इंसुलिन फिलहाल ज़रूरत नहीं है देना पड़ सकता है तो इनकरेक्ट ऑप्शन नोटिफाई द डॉक्टर यस करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसीलिए बता रहा हूँ ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हैं नोरसेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर असेसिंग द कास्टेड एक्सट्रीमिटी ऑफ ए पेशेंट फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन विच फाइंडिंग इज इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है आप एक कास्टेड एक्सट्रीमिटी को असेस कर रहे हो पेशेंट का एक कोई एक्सट्रीमिटी है लोअर लिम्ब है अपर लिम्ब है नहीं बता रखा जरूरत भी नहीं है हमें उस उस लिम्ब को कास्ट किया हुआ है प्लास्टर डाला हुआ है उसके ऊपर और उसको आप असेस कर रहे हो किसके लिए इन्फेक्शन के साइंस के लिए कि इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है इनमें से जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इंडिकेटिव है इन्फेक्शन का अब इसके लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा कि किसी का अंडर कास्टेड एरिया के इन्फेक्शन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हैं तो वो क्या क्या होते हैं या तो वहां से कोई प्यूरेंट ड्रेनेज आ रहा हो डिस्चार्ज हो रहा हो किसका साइन है इंफेक्शन का साइन है प्यूरेंट डिस्चार्ज ड्रेनेज इन्फेक्शन का साइन है कि कास्टेड एरिया के नीचे क्या हो गया है इन्फेक्शन हो गया है या उसकी मस्टी ऑर्डर हो उसकी स्मेल जो है वो मस्टी आ रही है ये दो इम्पोर्टेंट साइंस हैं जो कि किसको इंडिकेट करेंगे इन्फेक्शन को इंडिकेट करेंगे तीसरी बात जो एरिया है वो अदर एरिया से ज्यादा वार्म होगा यानी कि अंडर द कास्ट का जो एरिया है वो ज्यादा वॉम है तो वो इन्फेक्शन का इंडिकेटिव है इनके अलावा अगर कोई साइन है तो वो और किसी वजह से हो सकता है आप यहां पर देखिए डिपेंडेंट एडिमा जी नहीं डिस्टल पल्स जी नहीं कूलनेस एंड पेलर ऑफ द स्किन जी नहीं प्रेजेंस ऑफ द वॉम एरियाज ऑन द कास्ट यस प्रेजेंस ऑफ द वोम एरियाज ऑफ द कास्ट करेक्ट ऑप्शन ये तीन किस्में देखने को मिलेंगे दोस्तों डिपेंडेंट एडिमा डिस्टल पल्स कूलनेस एंड पेलर ऑफ द स्किन डिस्टल पल्स कब होगी दोस्तों जब सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा इंपेयर्ड सर्कुलेशन होगा स्किन कूल एंड पेलर कैसे होगी वो भी सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होगा इसी वजह से होगी डिपेंडेंट एडिमा वो भी इम्पेयर्ड सर्कुलेशन की वजह से होगा इसका मतलब ये तीनों साइंस जो हैं डिपेंडेंट एडिमा पल्स कूलनेस एंड पेलर ऑफ द स्किन इम्पेयर्ड सर्कुलेशन के साइन हैं लेकिन प्रेजेंस ऑफ वार्म एरियाज ऑन द कास्ट जो है वो इन्फेक्शन का इंडिकेटिव है करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करेक्ट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ एरियाज ऑन द कास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू रिव्यू द पेशेंट्स वाइटल साइंस इन द पेशेंट्स चार्ट बेस्ड ऑन दिस डेटा वॉट इज द पेशेंट्स पल्स प्रेशर रेफर टू द चार्ट फिल इन द ब्लैंक दोस्तों आप पेशेंट के वाइटल साइंस को रिव्यू कर रहे हैं आपको जो डेटा मिले वो यहां पर चार्ट के अंदर दिए गए हैं उसके हिसाब से पेशेंट का पल्स प्रेशर क्या होगा ये डेटा क्या है टेम्परेचर दे रखा है पल्स दे रखी है रेस्पिरेशन दे रखा है पल्स ऑक्सीमेट्री दे रखी है आपको और ब्लड प्रेशर आपको दिखा रखा है ये वाइटल साइंस पेशेंट्स के हैं इनके हिसाब से पूछ रहे हैं आपसे पल्स प्रेशर क्या होगा पल्स प्रेशर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए पल्स प्रेशर का सिंपल सा मीनिंग क्या है पल्स प्रेशर का सिंपल सा मीनिंग है सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी का डिफरेंस कितना है डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे सिस्टोलिक बीपी पी ओबेसी बात है डायस्टोलिक से ज़्यादा होता है तो सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को माइनस कर दीजिए अब ये कहाँ से लेके आएंगे जी ये हैं जी हमारे पास बी की रीडिंग्स दे रखी हैं सिस्टोलिक बी जो है वन है डायस्टोलिक बी जो है सेवेंटी टू मिलीमीटर mm उम्र करी है तो पल्स प्रेशर आप निकाल लीजिए माइनस करके इनको पीपी मैंने पल्स प्रेशर को लिखा है यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी कितना है वन फोर्टी सिक्स माइनस डायस्टोलिक बीपी कितना है सेवनटी टू ऑफ मरकरी तो 72 टू ऑफ मरकरी लिखी है यहाँ पर वन फोर्टी सिक्स माइनस सेवनटी टू होगा तो पल्स प्रेशर आ जाएगा आपके पास में कितना आया 74 फोर मिलीमीटर ऑफ मरकरी मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो ब्लड प्रेशर की पल्स प्रेशर की प्रेशर की यूनिट है और यहाँ पर यूनिट हम वही लिखेंगे जो इन्होंने दे रखी है करेक्ट देख लीजिएगा दोस्तों माइनस करके सेवेंटी सेवनटी वन फोर्टी वन फोर्टी सिक्स तो सेवनटी फोर मिली मीटर ऑपमर सीधा सा पूछना था लेकिन एम्स नोट सेट का यही है एनकलैक्स बेस्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है इतना घूमने फिरने की लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ईजी क्वेश्चन है कुछ एक चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखिए पल्स प्रेशर एक्चुअली किसको इंडिकेट करता है एक तरीके से इनडायरेक्टली ये पल्स प्रेशर इनडायरेक्टली कार्डियक आउटपुट को इंडिकेट करता है ये कार्डियक आउटपुट का इंडिकेटर है अगर ये पल्स प्रेशर डिक्रीड है तो इसका मतलब कार्डियक फेल्योर का पेशेंट हो सकता है डिक्रीड पल्स प्रेशर हाइपोवोलीमिया का पेशेंट हो सकता है या फिर डिक्रीड पल्स प्रेशर जो है वो शौक का पेशेंट हो सकता है ये डिक्रीड पल्स प्रेशर के कारण हो सकते हैं कार्डियक फेलियर हाइपोवोलिमिया या शोक इनक्रीड पल्स प्रेशर जो है वो किस में देखने को मिलेगा हाइपर टेंसन में देखने को मिल सकता है इनक्रीड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में देखने को मिल सकता है एदिरोस्कलेरोसिस में देखने को मिल सकता है तो ध्यान रखिएगा पल्स प्रेशर का मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर केयरिंग फॉर अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद अ स्किन इन्फेक्शन हु इज रिसीविंग टोब्रामाइसिन सल्फेट इंट्राविनसली आई वी एवरी एट आवर्स व्हिच रिजल्ट शुड इंडिकेट टू यू दैट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि आप एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे जिसे हो जिसे स्किन इन्फेक्शन हो रखा है और उसको क्या मिल रहा है टोब्रामाइसिन सल्फेट दिया जा रहा है कैसे दिया जा रहा है आई बी दिया जा रहा है कैसे एट आर्ली टी दिन में तीन बार दिया जा रहा है इनमें से कौन सा रिजल्ट जो है यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं चार इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को इस ड्रग का इस मेडिकेशन कौन सी मेडिकेशन टोब्रामाइसिन सल्फेट का एडवर्स रिएक्शन एडवर्स इफेक्ट हो रहा है इसके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से के लिए हमें टोब्रामाइसिन सल्फेट के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत है तो चलिए पढ़ लेते हैं देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस ड्रग को पढ़ेंगे टोब्रामाइसिन क्या होती है जी सबको पता है एक तरीके की एंटीबायोटिक ड्रग है अब एंटीबायोटिक ड्रग्स की बहुत सारी कैटेगरीज है।, है तो कौन सी कैटेगरी के अंदर ये आती है टोब्रामाइसिन जो है वो एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है एंटीबायोटिक्स की एक कैटेगरी है एमिनोग्लाइकोसाइड्स उस कैटेगरी के अंदर टोब्रामाइसिन ड्रग जो है वो आती है तो क्या टोब्रामाइसिन तो के अलावा भी इस कैटेगरी में और कोई ड्रग्स हैं क्या जी हैं अभी पढ़ लेते हैं दोस्तों नाम तो पढ़ ही सकते हैं कम से कम क्या क्या है और उनके नाम जेंटामाइसिन का आप सुनते हो नाम इसी फैमिली से है आमिकासिन का नाम आप सुनते हो इसी फैमिली से है कैनाइसिन का आप नाम सुनते हो इसी फैमिली से तो दोस्तों टोब्रामाइसिन जेंटामाइसिन आमिकासिन केनामााइसिन सारी की के सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एमिनोग्लाइकोसाइड्स के ग्रुप में आती हैं ध्यान रहेगी है, एक तो चीज़ आपको दिमाग में ये रखनी है जो साइड इफ़ेक्ट टोब्रामाइसिन के हैं जिस तरीके से काम टोब्रामाइसिन कर रही है उसी तरीके से काम इन चारों ड्रग्स इन तीनों ड्रग्स के भी हैं और वैसे ही एडवर्स इफ़ेक्ट्स इन ड्रग्स के होंगे दोस्तों जैसे कि टोब्रामाइसिन के होते हैं दिमाग में रख लेना आप ये चीज़ें जिस तरीके के एडवर्स इफेक्ट टोब्रामाइसिन के हैं वैसे ही एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं कमोबेस जेंटामाइसिन आमिकासिन और केनामााइसिन के भी होंगे अब ये ड्रग एंटीबायोटिक है दोस्तों तो किसके अगेंस्ट में काम करती हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है फंगस और वायरस के अगेंस्ट में तो काम करेंगी नहीं किस तरीके के बैक्टीरिया दोस्तों दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं एक ग्राम पॉजिटिव होता है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों इनमें से कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में काम नहीं करती ग्राम निगेटिव में भी कौन से बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों एक एरोबिक दूसरा अन एरोबिक एरोबिक का मतलब क्या है जिन्हें अपने रेस्पिरेशन के लिए एयर की जरूरत पड़ती है और दूसरे जिन्हें एयर की जरूरत नहीं पड़ती तो ये उन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगेंस्ट में काम करते हैं जो कि एरोबिक होते हैं नोट एन एरोबिक तो यहाँ पर समझ लीजिए टोब्रामाइसिन या एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है अब ओरल अगर इनको दें तो इनका जो है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है इसलिए इन ड्रग्स को हम क्या देते हैं दोस्तों आइदर आई भी देते हैं या फिर टॉपिकल यूज करते हैं इनका टोब्रामाइसिन के आपने ओरल प्रिपरेशन देखी है क्या जी नहीं या तो आई ईयर ड्रॉप्स आती हैं जो कि टॉपिकल यूज के लिए होती हैं ठीक है या फिर आई आता है क्यों ओरली नहीं देते क्योंकि इनके एब्जॉर्बसन जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है अब इनको यूज़ कहाँ करते हैं जी लगभग हर तरीके के इन्फेक्शन में ही यूज़ करते हैं जीआई आई इन्फेक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं रेस्पिरेटरी में भी यूज़ करते हैं यूटीआई में भी यूज़ करते हैं स्किन में भी यूज़ करते हैं सीएनएस में भी यूज़ करते हैं ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं है इनके जो अभी हमने पढ़ा कि टॉपिकल यूज किस में करते हैं तो हमने बता दिया ऑलरेडी टॉपिकल यूज जो आई ईयर ड्रॉप्स आती हैं दोस्तों उसमें करते हैं और दूसरा स्किन इन्फेक्शन्स में भी करते हैं टॉपिकल यूज अब इन ड्रग्स को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एडवर्स इफेक्ट्स को लेकर ड्रग्स से मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों एडवर्स इफेक्ट को लेकर के आते हैं आपको पता होने चाहिए तो इसके तीन तरीके के एडवर्स इफेक्ट्स हैं पता होने चाहिए आपको और ये तीन, तीन तरीके के एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हैं एक है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, दूसरा है ओटोटॉक्सिसिटी तीसरा है न्यूरोटॉक्सिसिटी। तीन तरीके के साइड इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स नेफ्रोटोक्सीटी ओटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी। इनमें से एक और इंपॉर्टेंट बात नेफ्रोटोक्सीटी जो है ये कैसा होता है रिवर्सिबल है परमानेंट नहीं है दोस्तों लेकिन ऑटोटॉक्सिसिटी जो है वो इ है यानी कि लगभग परमानेंट है ये भी एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोब्रामाइसिन या एमिनोग्लाइकोसाइड्स का जो एडवर्स इफेक्ट है उनमें से रिवर्सिबल क्या होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी इ क्या है ओटोटोक्सिसिटी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि टॉक्सिसिटी कैसे एग्जिबिट करेगा पेशेंट एंड ओटोटोक्सिसिटी तो एंड टॉक्सिसिटी कैसे एग्जिबिट करेगा ऑटोटोक्सिसिटी तो एंड टॉक्सिसिटी के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं से वो सेम से होंगे एक साथ में ही होंगे टॉक्सिसिटी हो रही है तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और दूसरा सीरम क्रिएटिनिन इनके लेवल्स क्या होंगे हाई होंगे इसलिए यहीं पर बता दें कि नर्सिंग एम्प्लीकेशन की बात करें तो पेशेंट्स जिनको टोब्रामाइसिन चल रही है उनका रिनल फंक्शन मॉनिटर करना जरूरी है, है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना होना चाहिए दोस्तों आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेगा आठ से बीस या पच्चीस मिलीग्राम पर डे सी लीटर होना चाहिए कहीं पर बीस मिल सकता है कहीं पर पच्चीस मिलीग्राम पर डे सी लीटर मिल सकता है जीरो पॉइंट फाइव यानी आधे से लेकर के डेढ़ मिलीग्राम पर डेलीटर होना चाहिए इसकी रिफरेंस वैल्यूज भी आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलेंगी जीरो पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट फोर या वन पॉइंट थ्री भी मिल सकता है आपको कहीं पर यह याद रखने के हिसाब से ठीक है तो ये इनसे अगर बाहर जा रही है रेंजेज तो इसका वैल्यूज इसका मतलब पेशेंट नेफ्रोटोक्सीटी एग्जिबिट कर रहा है लेकिन ये रिवर्सिबल है ठीक है जैसे ही आप ड्रग हटाएंगे ये डिसअपियर हो जाएंगे दूसरा ओटोटोक्सीटी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हैं? पेशेंट के कान में घंटियाँ बजेंगी क्या बोलते हैं टिनिटस बोलते हैं इसको हाई फ्रीक्वेंसी का हियरिंग लॉस हो जाएगा पेशेंट को परसिस्टेंट हेडेक रहेगा ये न्यूरोटोक्सिसिटी का भी साइन है पेशेंट को नोजिया होगा ये भी न्यूरोटोक्सिसिटी का भी साइन है डिजिनेस होगी पेशेंट को वर्टिगो सब कुछ घूम रहा है भाई पेशेंट को ये सारे के सारे साइंस जो हैं वो ऑटोटॉक्सीटी के टीनिटस एंड हियरिंग लॉस दिमाग में रखना मेनली हेडेक नोजिया डिजिनेस वर्टिगो ये ऑटोसो में भी कॉमन है न्यूरो टॉक्सिसिटी में भी कॉमन है लेकिन ऑटोटॉक्सिसिटी दोस्तों जो है वो इरिवर्सिबल है हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ये बार क्वेश्चन वापस रीड कर लेते हैं स्किन इन्फेक्शन से पेशेंट डायग्नोस हो रखा है जिससे टोब्रामाइसिन चल रही है आई वी एट आर्ली अब इनमें से कौन सा जो रिजल्ट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं टोटल बिलीरोबिन ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर डे टोटल बिलरूबिन कितना होना चाहिए दोस्तों लेस देन वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर डे लीटर होना चाहिए ठीक है क्या जी ठीक है इससे कम है इसका मतलब टोटल बिलेरूबिन लेवल जो है वो ठीक है इसका मतलब ये एकदम करेक्ट है और दूसरी बात यहाँ पर नेफ्रोटोक्ट्रोटोक्सीटी तो है नहीं कोज करता नहीं है ये ऑप्शन इरिलेवेंट था वैसे भी दूसरा है, सेडिमेंटेशन रेट ऑफ 15 मिलीमीटर mm पर आर ये भी रिलेट नहीं करता लेकिन सेडिमेंटेशन रेट जो है वो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए जीरो से तीस मिलीमीटर पर आर होनी चाहिए रिलीवेंट नहीं है वैसे ठीक है विद इन रेंज है लेकिन रिलीवेंट नहीं है ऑप्शन इनकरेक्ट है तीसरा ऑप्शन है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बी यू एन जी रेलिवेंट है क्या जी है नेप्रोटोक्सिसिटी को दिखाएगा कितना होना चाहिए बी यू एन अभी हमने पढ़ा दोस्तों ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है कितना होना चाहिए आठ से बीस या पच्चीस मिलीग्राम पर डे लीटर होना चाहिए कितना है हायर साइड है इसका मतलब नेफ्रोटोक्सीटी हो रही है पेशेंट को ठीक है जी ये इंडिकेटिव है नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ेंगे अभी हम डब्ल्यू काउंट सिक्स थाउजेंड सेल्स पर मिली क्यूबिक मिलीमीटर दोस्तों डब्ल्यू की जो काउंट है वो तो विद इन नॉर्मल रेंज, रेंज है चार हज़ार से ग्यारह हज़ार होनी चाहिए लेकिन ये रिलीवेंट नहीं है इससे इससे रिलेटेड नहीं है ऑप्शन वैसे भी इनकरेक्ट हो गया करेक्ट ऑप्शन है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज थर्टी मिलीग्राम पर डे ज़्यादा जा रहा है इसका मतलब इंडिकेटिव है किसका एडवर्स इफेक्ट का किसका टोब्रामाइसिन का क्या हो रहा है पेशेंट को नेफ्रोटॉक्सीसिटी हो रहा है हमेशा रहेगा क्या जी नहीं रिवर्सिबल है करेक्ट ऑप्शन इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ऑफ 30 मिलीग्राम पर डे सी लीटर आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ थैंक यू थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग वीडियो